We will discuss about the mechanism of working of heart. How heart contracts and relax, how it pumps blood to different parts of body. Heart is a pumping organ. It contracts and relax, means it beats regularly, rhythmically without getting rest, till life. हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है, रिलैक्स करते रहता है. इसके कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन को डिस्टोल कहते हैं. एक सिस्टोल एक डिस्टोल को एक हार्ट बीट कहते हैं. और एक मिनट में यह जो है नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 72 टाइम्स बीट करता है नॉर्मल कंडीशन. तो क्या ऐसा है, किसकी वजह से हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहता है, हमेशा बीट करता है? तो बच्चों, हम लोगों का जो हार्ट है वो मायोजेनिक है. यह न्यूरोजेनिक होता तो हम लोग सो जाते, तो ये भी सो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है. इसमें अलग से एक रेगुलेटरी सिस्टम है. इसके अंदर में नेचुरल पेस मेकर है, SA नो, साइनो एट्रियल नोड. वो साइनो एट्रियल नोड ही इसको वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेड करता है. इसमें डीपोलराइजेशन करता है, एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है, जिससे हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स रहती है. तो जरा देखते हैं ये किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करता है. ये हमारा हार्ट और चैम्बर है, इसमें तमाम सारी कोरोनरी आर्टरी आई हुई है जो हार्ट के वाल को भी ब्लड सप्लाई करें. हार्ट एक ईमानदार पंपिंग ऑर्गन है, क्योंकि हार्ट के चैम्बर में तो ब्लड रहता है, लेकिन उसकी वाल खुद उस ब्लड को उसे न्यूट्रेंस नहीं देती. जब इस पंप करता है तो कोरोनरी आर्टरी फिर से इसके मसल को जो ब्लड सप्लाई करती है, तभी न्यूट्रेंस को लेता है. तो देखते हैं कि हाउ हार्ट इज वर्किंग, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्शन. कैसे काम करता है हार्ट, तो इसको जानने के पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि हार्ट के अंदर ऐसा क्या है जो इसको वर्किंग कराता है. तो बच्चों जरा देखते हैं, यह जो हमारा हार्ट है, यह जो हार्ट है, हार्ट के अंदर में यह जो है कि जो मसल्स कार्डियक मसल का बना यह जो है चैम्बर है. तो अगर आप देखें यहाँ पे यह जो हार्ट है, इसमें यह लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल काफ़ी थिकर है, यह बहुत ही थिकर है. लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल थिकर होती है, राइट वेंट्रिकल की उससे कम थिकर होती है. लेकिन इसके अपेक्षा आप देखेंगे तो एट्रियम की थिन होती है, सबसे थिक होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, फिर राइट वेंट्रिकल की, और सबसे थिन होती है एट्रियम. अब यार एट्रियम ए वेंट्रिकल, एट्रियम भी ये इंटर एट्रियल सेप्टा से दो भाग में बढ़ गया, वेंट्रिकल भी यहाँ पे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा से दो भाग में बढ़ गया. अब इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लेफ्ट एट्रियम. एक चैम्बर ये हो गया, इसको क्या कहेंगे, राइट एट्रियम. अच्छा, ये जो ऊपरी हिस्से से ब्लड ला रहे हैं एंटीरियर वेना केवा, और निचले हिस्से से भी ब्लड ले आ रहे हैं, इनको क्या कहेंगे, पोस्टीरियर वेना केवा. इनको एंटीरियर वेना केवा. इसको क्या कहेंगे, पोस्टीरियर वेना केवा. अब यह हार्ट की वाल है, एक वाल ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है. ब्लड तो इस चेंबर में आते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कौन करता है, एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसमें हो रहा है, इसके वाल में हो रहा है. अब हमें यह देखना है कि यह कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता क्या है. अब ये जो राइट एट्रियम है, ये आप जो देख रहे हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में, ये राइट वेंट्रिकल में कैसे खुलेगा, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट. तो यहाँ पे इट विल ओपन इनटू राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल थ्रू से राइट एट्रियम ओपन राइट वेंट्रिकल थ्रू दिस ट्राइकस्पिड वाल्व. इसको क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व.
लेफ्ट एट्रियम ओपनिंग टू लेफ्ट वेंट्रिकल फ्लो बाय ट्रस्टी वाल्व, ये दो वाल्व है जिसके द्वारा इनकी ओपनिंग गार्ड होती है। अब बच्चों यहाँ से जो ब्लड आता है नीचे के ऊपरी हिस्से से, ये इसी ओपनिंग के द्वारा चेंबर में आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि चेंबर से फिर यहाँ आ जाएगा राइट ट्रस्टी वाल्व के, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में कॉम्पैक्ट होकर पल्मोनरी आर्टरी से चला जाएगा लंग्स में, फिर फ्लाई होकर पल्मोनरी वेंस में लेफ्ट एट्रियम में, फिर इस बाइकस्पिड वाल्व से लेफ्ट वेंट्री में कॉम्प होंगे सेचुरेटेड आर्टरी से सर्कुलेट होंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्शन, हाउ दिस हार्ट इज पंपिंग, हाउ दिस इज वर्किंग। तो इसके लिए जैसे हमारा ये चेंबर है, अब समझिए कि ये चेंबर है, चेंबर में ये जो है, ये जो है ए इंटीरियर वेंट्रिकुलर वाल्व जहाँ खुल रहे हैं, इसी के ठीक नीचे यहाँ मसल्स में, यहाँ पे एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे मसल्स में, चेंबर में नहीं, जैसे हमारा ये विद्यालय में वायरिंग हुई है तो दीवार में वायर है, कमरे में वायर नहीं है, कहाँ है दीवार के अंदर। वैसे ही जो यह तो ओपनिंग है इंटीरियर पोस्टीरियर के बाकी, लेकिन यह जो वाल है वाल के अंदर वो नोड लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए यह नोड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं पीएसए नोड। वाल के अंदर है, चेंबर में नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे जैसे ये वाल है तो वाल के अंदर में यहाँ पे नोड लाइक स्ट्रक्चर है, यही वेव ऑफ कंट्रेक्शन को इंडिकेट करता है। तो वेव ऑफ कंट्रेक्शन किससे होगा, दिस पीएसए नोड, पीएसए नोड इज प्रेजेंट, पीएसए नोड, इस पीएसए नोड को क्या कहते हैं, जरा सा इसको मिटा के लिख दे क्लियर हो जाए, इस पीएसए नोड को कहते हैं साइनो एट्रियल नोड, साइनोट्रियल, इसी को नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं, नेचुरल पेस मेकर। क्यों कहते हैं पेस मेकर, क्योंकि यही जो है कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन के लिए वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को जनरेट करता है। तो दिस यसे नोड, दिस यसे नोड इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर, एंड दिस यसे नोड सेंड सिग्नल इलेक्ट्रिकल इंपल्स मींस वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, then depolarization in the wall of atrium occurs, in the wall of atrium occurs, so entire atrium contracts, जैसे ही wave of contraction is played हुआ, depolarization हुआ इस wall में, atrium के atrium contract हुआ, और यहाँ पे एक और node like structure होता है, यहाँ पर तो ऐसे node है, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं AB node, AB नोड, एबी नोड का मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब आप देखें यहां एट्रियम के वाल में, यह नोड एट्रियम के वाल में है, इसीलिए इसको कहते हैं साइनो एट्रियल नोड, दिस इज कॉल्ड नेचुरल पेसमेकर, इट ओरिजिनेट्स विद द कंडक्शन इन डीपोलराइजेशन इन द हार्ट वाल, देन हार्ट वाल कॉन्ट्रैक्ट्स, but the this action potential wave of condition by the AV node, atrium ventricular node, जो atrium right atrium ventricle के जो septum है उसी के पास लगा है। अब यहाँ से दो धागे निकलते हैं, एक धागा जाएगा left ventricle की तरफ, यह इसको bundle of Fitch कहेंगे, दूसरा धागा right ventricle की तरफ, इसको भी bundle of Fitch। तो इन दोनों को क्या कहेंगे बच्चों, इन दोनों को bundle of Fitch। अब बंडल ऑफ हिच क्या करेगा, अब यह पूरा वाल ऑफ वेंट्रिकल में फैल जाएगा, वाल ऑफ वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में फैल जाएगा। तो जब ये धागे पूरे थ्रेड लाइन बना के वेंट्रिकल के मसल्स में फैल जाएंगे वाल में, तो इसको कहते हैं पुर्किंजे फाइबर, पुर्किंजे फाइबर। अब देखिए किस तरह से हार्ट के वाल में वायरिंग होगी, जरा देखिए मैंने क्या बोला आपको कि इन द वाल ऑफ राइट एट्रियम एक नोड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, इन द वाल ऑफ राइट एट्रियम ये नोड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज ए नोड साइनो एट्रियल नोड, या इसी को नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। दिस ओरिजिनेट्स वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन द एंटायर दिस एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज रिसीव्ड बाय एबी नोड दैट इज प्रेजेंट एट द सेप्टम ऑफ राइट एट्रियम वेंट्रिकल, दिस एबी नोड सेंड दिस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थ्रू बंडल ऑफ हिट इनपुट टू केजी फाइबर, व्हेन इट सेंड सिग्नल और एक्शन पोटेंशियल
The river contraction, which is developed due to excess potential, then it passes through AB node to bundle of heat, then into protein J fiber. Then whole of the ventricle contracts. तो बच्चों ये दो जो महत्वपूर्ण पार्ट है यहाँ हार्ट के वाल में राइट एट्रियम में ऐसे हो जिससे विवाह कॉन्ट्रेक्शन को डिलीट होता है एक्सल पोटेशन को डिलीट होता है देन एट्रियम कार्ड किया और वहीं से विवाह कॉन्ट्रेक्शन ए बी नोड में भी आप बन जा रहा इससे होते हुए उनके लिए फाइबर में पहुँचा है उनके लिए फाइबर में भेजा तो वेंटिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एट्रियम एंड वेंटिकल वेंट्रिकुलर वाल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर वाल इज कॉल्ड एज सिस्टोल The contraction of heart wall, contraction of heart wall is called as systole. अब contraction के बाद क्या होगा फिर repolarization होगा relaxation. तो relaxation of heart wall is called as तो एक कॉन्ट्रेक्शन और एक रिलैक्सेशन मतलब एक सिस्टोल एक डिस्टोल तो ए सिस्टोल एंड ए डिस्टोल इज कॉल्ड एज हार्ट बीट इसको क्या कहते हैं बच्चों हार्ट बीट कहेंगे क्यों हार्ट बीट कहेंगे वन कॉन्ट्रेक्शन वन रिलैक्सेशन वन कॉन्ट्रेक्शन वन रिलैक्सेशन वन कॉन्ट्रेक्शन वन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन को सिस्टोल रिलैक्सेशन को डिस्टोल वन कॉन्ट्रेक्शन वन रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज हार्ट बीट इसको क्या कह देंगे हार्ट बीट अब हार्ट बीट कितनी है एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन में एक मिनट में कितनी बार बीट करता है तो उसको कहेंगे हार्ट बीट रेट हार्ट बीट इन ए मिनट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट रेट तो हार्ट बीट रेट कितनी है 72 टाइम्स पर मिनट एक मिनट में 72 टाइम्स लेकिन यहाँ पे जब एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टमिक यात्रा में 70 अवेयर ब्लड भेजेगा एक बार में तो जितना ब्लड एक कॉन्ट्रैक्शन में पंप करता है टू से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी उसको कहते हैं स्ट्रोक वाल्व स्ट्रोक वाल्व तो एक कॉन्ट्रेक्शन के समय कितना ब्लड को भेज दिया 70 mL इसको SV कहते हैं क्या कहते हैं SV तो हार्ट बीट रेट कितना हो गया 72 टाइम्स पर मिनट और एक कॉन्ट्रेक्शन के समय 70 mL तो कार्डियक आउटपुट कितना हो जाएगा बच्चों कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट का मतलब कि इन ए मिनट हाउ मेनी हाफ इन ए मिनट ए नॉर्मल पर्सन पंप हाउ मच ब्लड तो HR into SV तो HR कितना है 72 into SV 70 तो इसको करें तो 5 liter 40 mL कितना ब्लड भेज देगा एक मिनट में पूरे बॉडी को 5 liter 40 mL ब्लड भेजेगा इसी को कहते हैं कार्डियक आउटपुट तो अभी तक हम क्या बोल रहे थे बच्चों यही मैं बोल रहा था कि हमारे हार्ट के वाल में उसमें भी राइट एट्रियम में भी पूछा जाएगा कि ऐसे नोड कहाँ है हार्ट के राइट एट्रियम के वाल में वो स्पेशलाइज कार्डियक मसल फाइबर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज ऐसे नोड वो नोड की तरह का है और स्पेशलाइज कार्डियक मसल फाइबर का बना है उसमें ऐसे नोड करते हैं उसी को साइनोडियल नोड या नेचुरल पेसमेकर करते हैं दिस ओरिजिनेट्स रिवर कॉन्ट्रैक्शन में डिपोलराइजेशन देन एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स But the same wave of contraction is by the AV node that is called as atrial ventricular node that through this AV node but the wave of contraction passes from bundle of heat into protein J fiber then ventricle also contracts. After contraction of atrium and ventricle then relaxation takes place. So SA node is called as natural pacemaker and AV node is called as natural pacesetter. So this way the depolarization in the wall of atrium contraction of heart wall occurs and due to depolarization after contraction systole the repolarization occurs means diastole occurs so systole distole a systole and a distole is called as heartbeat rate heartbeat a systole and a distole is called as heartbeat
and in a minute 72 times heartbeat, that is called as sub heartbeat rate. The heartbeat in a minute, that is called number of heartbeat in a minute is 72 times. Or you stroke follow during one contraction, how much blood it pumps to different part of body. So 70 ml to 72, 5 liter, 40 ml blood is 540 ml blood is pumped by the heart every minute. So this way the heart is working. How? By the natural pacemaker. Because it originates with our contrast. किसी किसी में pacemaker गड़बड़ होने लगता है, heart rate कम होने लगती है, तो doctor इसकी जगह पे एक लेजर हाईलाइट बैटरी यहाँ पर लाइट भी होके पास इम्प्लांट कर देते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं और फिर 10 साल 12 साल का वो और प्रोटेक्शन करते हैं. दिस वे इज मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एंड द एसे लो द नेचुरल पेसमेकर एवी ओ द पेसेटर एंड दीज आर मेंटेनिंग द वेव ऑफ प्रोटेक्शन. दस हार्ट इज बीटिंग कंट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग रेगुलरली इन द ब्रीथ आउट गेटिंग रेस्ट. थैंक यू वेरी मच.